हाय सना, वेलकम टू टीवी मसाला। और आई होप आप अच्छी कर रही हैं और कितना इंजॉय कर रही हैं लाइफ को बिग बॉस के बाद। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं और समझदार इंसान बन के बाहर आई हूँ और इट्स रियली फन। बहुत तब्दीली देखने मिल रही है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में, एंड आई एम लविंग दिस, यू नो। एंड टच वुड, आफ्टर दैट आई एम गेटिंग रियली मेनी गुड प्रोजेक्ट्स, तो आप भी उसके मुंतजर रहे। और आज ही मैंने अनाउंसमेंट किया है कि मेरा पहला गाना बतौर सिंगर आ रहा है। अब तक मैंने 40 म्यूज़िक वीडियोज़ किए, सिर्फ एज एन एक्टर किए, बट ये पहली दफ़े मैं एज अ सिंगर आ रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं परफॉर्मर बनूँ, स्टेज शोज़ करूँ, कॉन्सर्ट्स करूँ। तो बस दुआ करिएगा मेरे लिए, एंड 10th को इंशाल्लाह सॉन्ग रिलीज, और मेरे गाने का नाम है हाथ ना आने वाली। ओके, हाथ ना आने वाली, बिल्कुल ये लड़की किसी के हाथ नहीं आएगी। सो अगर मैं बात करूँ नेजी और आपकी दोस्ती की, कितनी बरकरार रह पाई है, कितना वक्त दे पा रहे हैं एक दूसरे को? एज अभी नेजी को मैं लास्ट मिली थी जब मैं स्मैश गई थी, और मेरे छोटे छोटे चना दीदी गैंग के साथ, जो मेरे पड़ोसी है, तब नेजी ने भी हमें ज्वाइन किया, तो हमने खूब मज़ा किया और हमने बॉलिंग खेली, बास्केटबॉल खेले और डैशिंग कार खेली, गो कार्टिंग की, तो बड़ा मज़ा आया। सो नेजी के साथ तो बॉन्ड जैसा आला दर्जे का अंदर था, वैसे बाहर भी है, सो इट्स गोइंग रियली वेल माशाल्लाह। इज़ अ वेरी आला दोस्त एंड ही विल ऑलवेज बी। वेल, डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपने हाल ही में एक कमेंट दिया है, या एक स्टेटमेंट दिया है रेदर, मैं कहूँगी कि यू नो, आपको बहुत सारे DMs रिसीव हो रहे हैं कुछ सिलेब्स से, जो वेल नोन सिलेब्स है, वेल नोन फेसेस है, कुछ जो आपसे कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? यार वो मैंने बोल दिया था इंटरव्यू में, जो सच है, बट आई डोंट थिंक कि मैं उसको कुछ बड़ा करना चाहूँगी। आई थिंक ये सबके साथ होता है, मैं कोई अकेली नहीं हूँ जहाँ पर लोग क्रीपी DMs आपको भेजते हैं जो नोन होते हैं उसके बावजूद भी। तो आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, सो आई जस्ट डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बट या इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंड जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री को और जान रही हूँ, मुझे चीज़ें समझ रही है, अच्छा ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, सो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब एंड आई एम ओके विथ इट। बट थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, दैट्स वॉट अजीब लगता है, बट देन यू हैव टू लर्न टू गेट ओके विथ इट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज इंडस्ट्री। यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, हर इंसान यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं होता, और आई थिंक जितना जल्दी है मैं समझ लूँ मेरे लिए भी बेहतर है, जो मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक समझ भी चुकी हूँ, सो आई एम प्रीटी गुड विद दैट। सो अब बिग बॉस OTT के बाद में मेन बिग बॉस आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, किसको देखना चाहेंगे बिग बॉस OTT के बाद, ये मेन बिग बॉस में किसको देखना चाहेंगे? किसको देखना चाहूँगी? आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू सी नेजी अगेन। नेजी बोले, अच्छा सर ना ज़्यादा फ्री हो रही हो, बट या मेरा सच कोई नहीं है मेरे जहन में, जब आएगा तो बता दूंगी। पर चाहेंगी कि आप भी एक बार फिर उस घर में जाएं मेन वाले पे? अभी फ़िलहाल नहीं, अभी फ़िलहाल मेरी जो दिलचस्पी है और जो मेरा फोकस है मेरे गाने के ऊपर है, तो अभी तो बाहर आई हुआ है, फिर से क्यों भेज रहे हो? थोड़ा रुको, सांस लेने दो, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने दो, फिर इंशाल्लाह। डेफिनेटली। लेकिन अगर बिग बॉस के अलावा कुछ और शोज़ मिलते हैं, जैसे खतरों या कोई डांसिंग शोज़, आई एम ओपन फॉर दैट एंड आई एम ऑलरेडी टॉकिंग विद पीपल, सो या दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, उसके लिए मैं हूँ। इफ़ आई एम डूइंग नथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड लव टू डू अ डांसिंग शो और समथिंग लाइक खतरों फॉर श्योर, क्योंकि मैं दिखती हूँ बहुत नज़ाकत और नाजुक लड़की, बट बहुत आतंकुर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, प्रीटी एडवेंचरस लाइक दैट। लास्टली, फैंस को क्या कहेंगे? बहुत मोहब्बत दे रहे हो, और जितनी मोहब्बत इस आला गर्ल को दे रहे हो, उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरीके से मोहब्बत दोगे, एंड मैं आपको रिटर्न में वादा करती हूँ, आई एंटरटेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। शुक्रिया। सना की शायरी के बिना हम कैसे जा सकते? ओ गॉड, मेरा फ़ोन तो मैंने आज ही लिखी है, जल्दी 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 आज ही लिखी है ना मैंने ये वाली, एक मिनट रुको। नहीं, ये शायरी तो नहीं है, बट ये एक जुमला है जो मैं सबको बोलना चाहूँगी। काबिल इतने बनो कि दुश्मन को भी मजबूरन आपकी सलाहियत की तारीफ करनी पड़े। सो फोकसिंग ऑन दैट, एंड बाकी एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों को आपके बारे में जो बोलना है बोलने, तो आप लोगों के लिए तब्दील मत हो, वर्ल्ड विल एडजस्ट, यू शुडंट। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू।